गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, कल हमने डिस्कस किया था आपका 7th चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स की, पेड़ पौधों के बारे में जानना। सबसे पहले बेटा हमने क्या, हमने 3 टाइप्स डिस्कस करे थे कि प्लांट के, कि एक तो हमारे जो हर्ब्स टाइप होते हैं जिसको हम जड़ी बूटे टाइप होते हैं, एक तो ये डिस्कस किया था। सेकेंड टाइप हमने श्रब्स टाइप मीन्स झाड़ियाँ टाइप के। फिर नंबर 3 हमने ट्रीज़ जो अपने बेड और लॉन्ग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, बेग और लॉन्ग टॉल टाइप के जो अपने प्लांट होते हैं जिनके स्टेम मोटे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वो डिस्कस किया था। टुडे नाउ बेटा वी डिस्कस अबाउट क्लाइंबर प्लांट्स बेटा। जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लाइंबर का मतलब चढ़ाई टाइप, यानी कि इट मीन्स दैट पर्वतारोही पौधे जो होते हैं उनको बोलते हैं हम क्लाइंबर प्लांट्स। तो बेटा क्लाइंबर प्लांट्स क्या होते हैं? ए प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम। मतलब बेटा वो पौधे होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं और कमज़ोर होते हैं, जिनकी स्टेम कमज़ोर होती है बेटा। विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो अपराइट सीधे स्टैंड नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते बेटा, ठीक है। बट रीडली क्लाइंब अप ए नाइबरिंग स्पोर्ट्स, जो पड़ोस, जो उसके नज़दीक के पड़ोस के जो प्लांट्स होते हैं, जो उनके जो पड़ोस के जो उसके नज़दीक के जो प्लांट होते हैं उनके हेल्प से वो चढ़ते हैं, मतलब उनके चारों तरफ लिपट जाते हैं, जिनके हमारे एक तरीके से हम कहते हैं स्टेम जिनकी मोटी हो उनके के, मतलब इस तरीके से वो ऊपर चढ़ जाते हैं दूसरे प्लांट के, ठीक है। तो क्या है बेटा क्लाइंबर प्लांट क्या होता है कि बेटा ये थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और वीक स्टेम होते हैं, जो सीधे नहीं खड़े हो सकते, ये दूसरे प्लांट के हेल्प से खड़े होते हैं बेटा, जो इसके नज़दीक जो प्लांट होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लाइंबर एक तरीके बेल टाइप जो होते हैं, बेल टाइप जो प्लांट उनको कहते हैं बेटा हम क्लाइंबर प्लांट्स, ठीक है बेटा। तो क्या है कि ए प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड रीडली क्लाइंब अप ए नाइबरिंग स्पॉट इज कॉल्ड क्लाइंबर। ये इसको कहते हैं बेटा हम क्लाइंबर्स। अब इसके एग्जांपल में जैसे फॉर एग्जांपल करेला हो गया, मेंढक हाड़ हो गया, लौकी हो गई, ये क्या है बेटा एग्जांपल हो गए किसके, क्लाइंबर प्लांट्स के, ठीक है। अब नंबर फिर है इसका अगला टॉपिक है बेटा क्रीपर्स। क्रीपर्स मींस एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं बेटा लता टाइप में लता होती है उसको बोलते हैं बेटा क्रीपर्स को बोलते हैं हम लता। तो ये क्या होते हैं कि ए प्लांट हैविंग थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम, ये बेटा पतली और लंबी, ठीक है, और पतली लंबी और वीक कमज़ोर स्टेम तना होता है, विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और ये भी बेटा क्या है सीधे खड़े नहीं हो सकते स्टैंड, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और ये क्या है कि जो हमारी ज़मीन होती है, ठीक है बेटा, उस पर ये स्प्रेड बिखर जाते हैं बेटा, ठीक है। क्या है कि ये थिन होते हैं, लॉन्ग होते हैं और कमज़ोर स्टेम होती है, ठीक है, सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा हम क्रीपर्स प्लांट। अब क्रीपर प्लांट्स क्या होता है बेटा कि इसके 2 इम्पोर्टेंट क्रीपर्स प्लांट है हमारे। एग्जांपल जैसे स्ट्रॉबेरी प्लांट हो गया, एक तो स्ट्रॉबेरी प्लांट इज़ द एग्जांपल ऑफ क्रीपर्स प्लांट, और दूसरा बेटा एक मनी प्लांट होता है बेटा हमारा, क्या होता है मनी प्लांट। ये 2 एग्जांपल हैं क्रीपर्स प्लांट्स के, स्ट्रॉबेरी एंड मनी प्लांट्स। अब बेटा जो हमारा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि क्लाइंबर प्लांट्स और क्रीपर प्लांट्स, वो क्या है कि वो ऑर्गन का होता है, ठीक है बेटा, कि जैसे ऑन देयर एक तरीके से जो इसमें स्टेम होते हैं और लीव्स होती है उसके ऊपर होता है, ठीक है बेटा। और ये इसके मेन डिफरेंस है होता है इनके। अब है बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में बेटा हमारा जो प्लांट्स होता है, पौधा होता है, उसके मतलब पार्ट्स होते हैं,
पार्ट्स में, जैसे रूट हो गया और रूट के भी फिर टाइप हो गए, फिर स्टेम हो गया, फिर लीफ हो गई, स्टेम तना, जैसे रूट, रूट तो जड़ होती है बेटा, स्टेम अपना तना होता है, और लीफ पत्तियाँ, ये क्या है कि बेटा ये इसके पार्ट्स हैं हमारे प्लांट्स के। तो पहला क्या है हमारा, रूट। रूट, अब रूट क्या है बेटा, रूट जिसको हम जड़ बोलते हैं बेटा, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या है कि प्लांट जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, उसका एक हिस्सा होता है, विच बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के ग्राउंड के नीचे होता है, इट मीन्स डेट इन द सोइल, मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी में जो होता है उसको कहते हैं बेटा रूट। ठीक है बेटा, और रूट हमारी बेटा, अब इसके दो टाइप हैं रूट के, कितने टाइप है, दो टाइप हैं, नंबर एक टेप रूट्स और नंबर दो फाइबरस रूट, ये टू टाइप हैं रूट के बेटा। ठीक है बेटा, फिर क्या है नंबर दो, स्टेम। स्टेम क्या होता है, ये भी हमारा एक पार्ट होता है प्लांट का, विच राइज वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो क्या है, जो जमीन से जो वर्टिकली लंब बढ़ता है, अपराइट, सीधा तना होता है जो बेटा, उसको कहता है, मोटा जो हिस्सा पार्ट होता है जो सीधा होता खड़ा होता है उसको बोलता है, और ये अपराइट सीधा खड़ा होता है बेटा, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर, उसको बोलते हैं हम स्टेम, जिसको हम तना बोलते हैं। और थर्ड वन, लास्ट वन इज लीफ। लीफ क्या है, लीफ इज थिन ब्रॉड, एक पतली फैली हुई फ्लैट, बिल्कुल समतल ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, विच इज़ अटैच टू द स्टेम, और जो किससे, स्टेम से क्या होती है, अटैच होती है ब्रांच। अब स्टेम के अंदर बेटा क्या होती है, अलग अलग ब्रांच छट जाती है, जो उनसे ये अटैच होती है उसको कहते हैं हम लीफ। लीफ को हम बेटा, जिसको हम पत्ती, लीव्स भी कहते हैं, पत्ती जिसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है, थ्री पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।